नेक्स्ट इज पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट अभी तक हमने क्या देखा कि तीन मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हर किसी की लाइफ में होना चाहिए खुद को मैनेज करने के लिए अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन अब इन तीनों का क्या इंपैक्ट पड़ता है एक पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलता है वो देखते हैं फाइन सो सेल्फ मैनेजमेंट इज एन स्किल सेवरी वन एज ए टीचर यू टू बी प्रोडक्टिव नो मैटर वॉट दी सर्कमस्टेंस आर एज वी ग्रो द डिमांड्स इन आर टाइम एंड एफर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर लाइफ The pull from all direction brings excessive stress and confusion in our mind. Self management allows us to set up

स सेल्फ कॉन्फिडेंस कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स ओके अब यदि क्वेश्चन आता है वॉट आर द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट तो आपको यही फाइव रिजल्ट लिख कर आना है जरूरी नहीं है कि यही लिख कर आओ आपको अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो कैसे जैसे कि फर्स्ट टाइम मेक्स यू मोर ऑर्गेनाइज्ड यदि आप अच्छी तरीके से सेल्फ को मैनेज करते हो मतलब कि आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड वे में हर काम को कर रहे हो ओके व्हेन यू वाइल प्लानिंग योर शेड्यूल लाइक अलॉटिंग टाइम शॉर्ट्स फॉर योर स्टडीज रिलैक्सेशन ब्रेक्स एंड अदर इसेंशियल एक्टिविटीज यू लर्न दी वाइटल स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड अ गोल योर रिसोर्सेज ओके सो ये चीज समझ में आ गई नेक्स्ट इन स्टिल्स डिसिप्लिन वेन यू मेक अ शेड्यूल एंड कमिट योर सेल्फ टू डू इट एंड इन स्टिपलेटेड टाइम यू रिजेक्ट अदर अनुपोर्टेंट इन्विटेशन फ्रॉम एनी वन एल्स अब यहाँ पे देखो इन स्टिल्स डिसिप्लिन मतलब आपने किसी टाइम को डिसाइड कर लिया कि इस टाइम में मुझे यही काम करना है और सारे अनइम्पॉर्टेंट वर्क को आपने अलग कर दिया अब वही काम पे आप फोकस कर रहे हो वही काम आप कर रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन वे में उसे फॉलो कर रहे हो सो इट है

नेक्स्ट हेल्प इन अटेनिंग गोल्स ऑब्वियस सेल्फ मैनेजमेंट किसमें हेल्प करता है गोल को

self-motivate to ho. be with you. So when you set goals and achieve them, the, that give you the confidence to pursue more significant and more challenging goals. स इन टर्न गिव दू टेक अपॉर्चुनिटी से मदद से आप आगे बढ़ते हो फर्दर इनिशिएटिव ले सकते हो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आगे और फ्यूचर में आप उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस होता है बढ़ता है जब आप सेल्फ मैनेज होते हो सो दिस साइकिल ऑफ इनिशिएटिंग एंड अचीविंग गोल्स हेल्प्स यू टू राइज हायर इन योर लाइफ ओके ये चीज समझ में आ गई नाउ कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स ऑब्वियस यदि आप खुद को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट भी कर पा रहे हो फाइन सो वेन पीपल अराउंड यू योर फैमिली योर टीचर क्लासमेट्स फ्रेंड्स वॉच योअर परफॉर्मिंग टू अचीव गुड रिजल्ट विदाउट एनी पोष और सुपरविजन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू ओके मतलब कि आप बिना किसी की मदद के खुद को मैनेज कर पा रहे हो टाइम अपने डिसाइड कर लिए आपके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बोलना बोलना पड़ता है कि इतने टाइम में पढ़ो इतने टाइम में खेलने जाओ है ना दिन भर में आप खुद से सारे टास्क को मैनेज कर रहे हो तो कहीं न, कहीं ना आपके फ्रेंड्स टीचर क्लासमेट्स क्या करेंगे आपके रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे योर पेरेंट्स एंड टीचर्स रियलाइज रियलाइज उन्हें उन्हें ये होगा दैट दे डू नॉट नीड टू कंट्रोल और फोर्स यू आपको फोर्स करने की कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है ऑल्सो योर पियर्स गेट इंस्पायर्ड बाई यू और जो आपके पियर्स है वो भी आपसे इंस्पायर होंगे सो इन सेंस सेल्फ मैनेजमेंट स्किल विल हेल्प यू टू लीव अ मोर ऑर्गेनाइज स्ट्रेस फ्री एंड फुलफिलिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सो यदि हम बात करें सेल्फ मैनेजमेंट की एट लास्ट ऑफ दिस चैप्टर तो क्या कंक्लूजन निकला कि सेल्फ मैनेजमेंट जो स्किल्स हमने देखे वो क्या करते हैं वो हमें हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में जीने को कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हों स्ट्रेस फ्री रह सकते हो कैसे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क को फुलफिल कर सकते हो बिना स्ट्रेस के बिना किसी वर्क लोड के